ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें। गोरखपुर और गोरखपुर सब लोकसभा चुनाव में मायावती जी ने समर्थन देने की बात कही है, क्या समाजवादी पार्टी के लोग उसको स्वीकार करेंगे? बहुजन समाज पार्टी ने जो उपचुनाव में अपने वोट के ट्रांसफर करने के लिए हम लोग समर्थन किया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और जो प्रदेश में और देश में सरकार है, ये सरकार सारे मोर्चों पर असफल हो गई है। इस सरकार के खिलाफ जनता में बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। जनता परिवर्तन चाहती है और जनता के दबाव और मांग पर बीएसपी ने समर्थन करने का काम किया है। हम लोगों को विश्वास है कि इन उनके समर्थन से दोनों सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए उनके खिलाफ जो मतदाता हैं उनके वोट के बंटवारे को रोकने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, तभी संभव है कि भाजपा को हम लोग हरा पाए। भाजपा देश में और प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास कर रही है। चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम नहीं किया है। चुनाव से पहले कहा था कि गरीब लोग जो हैं खाते में 15-20 लाख रुपये आएंगे, लेकिन 4 साल पूरे बीत चुके हैं, अभी किसी एक भी आदमी खाते में पैसा नहीं आया है। कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा हर साल, 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की बात 4 साल में थी, लेकिन कहीं किसी को रोजगार मिलने की बात नहीं हुई है। महंगाई बढ़ी है, जनता परेशान है, किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात कही गई थी, उन कर्जे माफ़ नहीं हुए हैं। व्यापारी, मजदूर, किसान सब परेशान हैं और बीएसपी ने जो समर्थन अपना दिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि जो चुनाव आगामी होंगे लोकसभा के, उससे पहले सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगी, तभी संभव है कि जो भाजपा के खिलाफ वोटक वोट है वो गए उस वोट के बंटवारे को रोका जाएगा। 2019 में देखिए उपचुनाव के परिणामों के बाद फिर सब दल मिल करके बैठेंगे और हम लोग ये चाहते हैं, हम लोगों की इच्छा है कि भाजपा को रोकने के लिए सारे दल विपक्षी पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ें।